दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एसके यादव अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये वीडियो हेल्थ संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल अधिकांश लोग कब्ज की समस्या से बहुत परेशान हैं। कब्ज की समस्या लोगों में बेहद आम हो चुकी है दोस्तों। कब्ज के का कारण जो है हमारी खराब लाइफ स्टाइल और गलत खान पान भी। कब्ज होने से न जाने न केवल पेट में परेशानी होती रहती है, बल्कि कई बार इससे तो शरीर में अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि कब्ज की समस्या बढ़ने से सिर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, जी मचलाना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कब्ज से राहत पाने के लिए अपने भोजन में भरपूर मात्रा में फाइबर फूड्स का सेवन कीजिए। भरपूर मात्रा में पोषण से भरपूर भोजन को शामिल करें, जिससे कब्ज की समस्या न हो और आप अच्छा जिंदगी जी सकें। आपको बताते चलें कि कब्ज से कई और बीमारियां भी हो सकती है, जैसे पेट साफ नहीं होने के कारण त्वचा में पिंपल्स का आना। इतना ही नहीं, आपके हार्ट और लीवर को भी डैमेज होने की संभावना है। इसलिए अपने भोजन में फाइबर वाली चीज़ें खानी चाहिए। फाइबर कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है, बोले तो कब्ज से राहत दिलाता है। जिन लोगों में कब्ज की समस्या रहती है उन्हें ज़्यादा जंक फूड्स, बोले तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड से बने आइटम नहीं खाना चाहिए। साथ ही फ्राइड आइटम, बोले तली भुली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपकी कब्ज की समस्या की मुख्य जड़ है और आपकी कब्ज की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम कब्ज से राहत दिलाने के कुछ टिप्स और कुछ खाने के आइटम्स बताएंगे, जिनका सेवन करने से आपको काफ़ी कब्ज में राहत मिलेगा। जैसे पानी, हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन पानी पीने से कतराते हैं, जिस कारण कब्ज की समस्या होती है। तो हमें नियमित अंतराल में पानी पीना चाहिए। डेली 5 से 6 लीटर पानी आप पीजिए, कब्ज से जरूर राहत मिलेगी। पानी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, साथ साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों में फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों आज से ही अपने खाने में हरी सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना शुरू कर दीजिए। केला, केले में भी प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जो कब्ज के प्रभाव को सामान्य करने में मदद मिलता है। इसे खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती है। केले में कई ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो आपकी पेट की समस्या के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अंजीर, कब्ज की समस्या के लिए अंजीर काफ़ी फायदेमंद होता है दोस्तों। दरअसल अंजीर में भी काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होता है, जो मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। जामुन में भी भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, तो जामुन को भी अपने भोजन में शामिल करें, जिससे आपको कब्ज से राहत मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहेंगे, हम लोग रंग बिरंग के भोजन तो करते हैं लेकिन उसमें सलाद नहीं होता है, तो आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने भोजन में सलाद को शामिल करें, जैसे खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, शलजम, इस सारी चीज़ों का आप अगर सेवन करते हैं तो काफ़ी आपको कब्ज से राहत मिलेगी।
साथ साथ स्पाइसी फूड बोले तो मसालेदार चीज़ खाने से बचे, और चाय की जो मात्रा होती है उसकी सेवन करने से बचे। अगर चाय आप ज़्यादा पी रहे हैं तो बहुत कम कर दीजिए, एक कप सुबह और एक कप शाम, हो सके तो ग्रीन टी का सेवन करें, क्योंकि दूध से बने हुए चाय जो होते हैं हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, और भोजन को शामिल करके आप कब्ज की समस्या से राहत पा सकते हैं। साथ साथ आपको हम एडवाइस करेंगे कि ये सिर्फ सलाह है, आप डॉक्टर और विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं और लेकर अपने शरीर को सुधारें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।